आगे कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है लगता है। अरे बाप रे, ये देखो दोस्तों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीष बाने एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक्स टूरिज्म। तो दोस्तों, आज मैं फर्स्ट टाइम एक ब्रेकफास्ट राइड के लिए निकल रहा हूं। नॉर्मली देखा जाए तो ब्रेकफास्ट राइड ये शॉर्ट होता है, मतलब 50-60 किलोमीटर तक लोग जाके आते हैं और फिर से घर पे लौट के आते हैं। पर मेरा ये राइड थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि अपना फंडा ही कुछ और है दोस्तों। क्योंकि मैं जा रहा हूँ पालघर के यहाँ केळवे बीच की इधर, तो इधर जाके बहुत ही दोस्तों मज़ा आने वाला है। क्योंकि कल ना मैंने कुछ भी राइड का प्लान नहीं किया था, पर आज सुबह ऐसे ही मन में आया कि थोड़ा बीच अभी तक ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, तो थोड़ा सुबह सुबह बीच का एक ऐसा नज़ारा देख के आते और आपको भी दिखाते। तो ये राइड पे ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, तो आप भी मेरे साथ ये राइड को एंजॉय करना। तो चलिए सीधा मिलते हैं राइड पे। आज मैंने मोटो लॉगिंग थोड़ा लेट ही चालू किया है, क्योंकि सुबह सुबह निकला था, तभी फॉग बहुत था तो आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए थोड़ा लेट ही चालू किया है। और अभी मैं फ़िलहाल वज्रेश्वरी रोड पे हूँ और यहाँ से ही मैं पालघर जाने वाला हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा छोटा ही रोड है, पर यहाँ से बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स भी क्रॉस होते हैं, ये आप सामने देख सकते हो। अगर एक बात मैं दिल से कहूँ ना कि एरोक्स पे जो राइड करने का मज़ा है ना, वो किसी और गाड़ी पे मुझे तो नहीं लगता आएगा। क्योंकि इसका जो हैंडलिंग है ना दोस्तों, ये एकदम लाजवाब है। मतलब किधर भी मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता कि अभी मैं गिर जाऊंगा या फिर थोड़ा स्लिप होने का चांसेस है, ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं लगा। पर ये सब तो डिपेंड रहता है रोड कंडीशंस के ऊपर, तो हम लोग को ही वैसा अपना स्पीड मेंटेन करके जाना पड़ता है। तो अभी जो भी भाई लोग सोच रहे हो यामा एरोक्स लेना है या नहीं, तो मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ कि आप ले लो ये गाड़ी, कुछ भी दिक्कतें नहीं आएगी आपको। हाँ, बस एक दिक्कत है ये गाड़ी की कि इसके जो एक्सेसरीज है, मतलब जो गाड़ी के पार्ट्स है, वो जल्दी से अवेलेबल नहीं होते और सारे शोरूम्स में भी ये पार्ट्स नहीं है अभी तक। सर्विस सेंटर में भी उन लोग को ऑर्डर करवाना पड़ता है, बाद में ये पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत है। मतलब अगर आप लॉन्ग राइड पे निकल रहे हो ना, तो थोड़ा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, या फिर आपके थोड़े कॉन्टैक्ट्स भी होने चाहिए कि अगर बीच में किधर आप फंस गए, गाड़ी का कुछ इशू हुआ, तो आपको कॉन्टैक्ट करके गाड़ी को ले जा सकते हैं, या फिर कोई भी मैकेनिक भी ठीक कर सकता है। वैसे आपका थोड़ा कॉन्टैक्ट चाहिए। और दोस्तों, मुझे और एक बात कहनी थी कि जिनको मोटो लॉगिंग और ट्रैवलिंग पसंद है, वो लोग तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपके अगर दोस्त रहेंगे, कोई फैमिली मेंबर रहेंगे, उनको अगर राइडिंग के वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ उनको भी शेयर करना। ये देखो, ये ऐसा बीच में गेहूँ डाल के रखते हैं, तो फिर उनको फिर वो निकालने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर ऊपर से कोई ट्रक या बस कोई गुजर जाती है, तो उनको बाद में निकालने के लिए आसानी हो जाती है। जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो मैंने बोला था ऊपर से ट्रक वगैरह गुजरते हैं तो उनको निकालने में आसानी होती है, तो वो गेहूं नहीं है, उसको लिकरा करके कहा जाता है। मैंने अभी एक लोकल गाइडियन से पूछा, जो उधर वो बिछा के रखा था उन्होंने, तो उनको ही पूछा था मैंने, तो उन्होंने लिकरा करके कहा उसका नाम। अगर किसी को ये लिकरा पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो दोस्तों, ये बीच में ये बहुत ही गंदी ट्रैफिक लगी है, आगे कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है लगता है। अरे बाप रे, ये देखो दोस्तों, सामने ही ये ट्रक का एक छोटा एक्सीडेंट हुआ है, ये पेड़ को टकरा गया है। ये देखो, पूरा पलट गया है, रेती भरा हुआ ट्रक था।
कभी कभी क्या होता है ना, हेवी लोड के वजह से ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज मेरा ब्रेकफास्ट रेडी और मैं ब्रेकफास्ट करने ही भूल गया था। अभी मैं 50 किलोमीटर क्रॉस करके आया हूँ, अभी और 50 किलोमीटर क्रॉस करने हैं, फिर उसके बाद में केलवा बीच हम पहुँच जाएंगे। अभी नाश्ता में मैंने देख लिया था पोहा इधर नहीं है, तो मैंने एक कांदा भजी पाव और एक चाय ले लिया। तो चलिए फटाफट से नाश्ता करते हैं। और ये रहे, अभी सारे राइडर्स निकल चुके हैं राइड पे। तो ये देखो दोस्तों, अभी हम केड़वे बीच पे आ चुके हैं। यहीं पे सामने मेरे केड़वे बीच है और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है। यहाँ पे 20 रुपये फोर व्हीलर का लिया जाता है और टू व्हीलर का पार्किंग बिल्कुल फ्री है। तो मैंने इनको अभी जस्ट पूछा कि हम अंदर बाइक लेके जा सकते हैं क्या, पर उन्होंने बोला वो आपके रिस्क पे लेके जाओ क्योंकि अंदर पुलिस पकड़ सकते है। तो इसलिए मैंने बाहर ही पार्क की है गाड़ी को, और अंदर जाने के लिए आपसे कुछ 5 रुपये लिया जाएगा। चलिए अभी अंदर एंट्री करते हैं। ये देखो यहाँ पे शौचालय है, 2 रुपया पर पर्सन लिया जाता है और चेंजिंग रूम के लिए भी 10 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स है, तो आपको कुछ खाने पीने की कुछ भी कमी नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए भी खिलौने हैं, पानी बोतल ठंडा सब खरीद सकते हो। और आज मैं बहुत ही सुबह जल्दी जल्दी आया हूँ, इसलिए आज कुछ भी भीड़ नहीं है यहाँ पे, तो काफी अच्छा लग रहा है। और कभी कभी ना प्लान ना करने पे भी राइड अच्छी हो जाती है, तो आज मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 5 रुपीज़ का एंट्री फी है। इसमें सुरभा कर है 2 रुपीज़, स्वच्छता कर है 3, ऐसे कुल मिला के टोटल 5 रुपीज़ हो जाते हैं। और बीच पे कई सारे एक्टिविटीज है, वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे रहते हैं। और ये सैंड में चलने वाली कार ये भी है यहाँ पे। वाव दोस्तों, कितना बड़ा बीच है, देखो गोवा का फील दे रहा है ये। मैंने सोचा नहीं था केड़वे बीच इतना बड़ा रहेगा, बहुत ही बड़ा ही है। तो इधर आपसे कुछ 100 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, ये जो आप देख सकते हो, डबल सीट आप जा सकते हो। और ये छोटे बच्चों के लिए है, तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ सकते हो, वो भी काफी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और ये कपल्स के लिए साइकिल भी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चला सकते हो। ये 2 सीट्स वाली है, ये 3 सीट्स वाली है। और वो जो दोस्तों 3 सीट्स वाली साइकिल थी, वो मैंने आज पहली बार देखी, क्योंकि मैं जब सापुतारा गया था वो टाइम पे मैं 2 सीट्स का साइकिल चलाया था, पर ये आज पहली बार 3 सीट का साइकिल देखा, ये भी काफी अच्छा था। और यहाँ पे ये फैमिली के लिए हॉर्स राइड है, आप पीछे बैठ सकते हो, ये भी मेरे ख्याल से 100 रुपये रहेगा। पूछने के लिए इधर कोई दिख नहीं रहा है। और ये देखो दोस्तों, सुबह जल्दी आने का यही फायदा होता है, पूरा बीच मुझे खाली मिला है। और ये सुंदर नजारा,
और ये देखो दोस्तों, ये पौधा आपने देखा ही रहेगा बचपन में, तो इस पौधे का नाम मुझे पता नहीं, अगर आपको पता रहेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये खेल हम बचपन में खेलते थे, इसे हम बीच में से ही तोड़ते थे और फिर से इस पर ऐसे जुड़ाते थे, तो काफ़ी अच्छी यादें अभी ताज़ा हो गई मेरी। केड़वे बीच कपल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा स्पॉट है, तो आप अगर कपल हो तो यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि तो यहाँ पे कई सारे कपल्स पेड़ के छाव में बैठ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे फास्ट बोट राइड, फैमिली बोट राइड और उसके साथ साथ ये बनाना राइड भी होती है, तो आपको काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी यहाँ पे करने मिलेगी। और ये देखो दोस्तों, ये सामने से स्पीड बोट आ रही है और स्पीड बोट का यहाँ पे 300 रुपीज़ पर पर्सन लिया जाता है और उनका एक आदमी आपके साथ रहेगा। और ये व्लॉग आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।